नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पर चर्चा होगी। तो देखिए मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने दो प्रयोगों, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा द्विसंकर संकरण डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर वंशागति लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट होने के संबंध में तीन नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने दो प्रयोगों, दो एक्सपेरिमेंट, पहला था एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा द्विसंकर संकरण डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर वंशागति लक्षण, यानी एक वंश से दूसरे वंश में जो लक्षण जाते हैं उसके बारे में, वंशागति लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट होने के संबंध में तीन नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें मेंडल का आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहले नियम का नाम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। तो इन तीन नियमों के आधार पर उन्होंने आनुवंशिकता के नियम को समझाया। तो देखिए डिटेल में, पहला नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच संकरण क्रॉस कराया जाता है, तो उनकी प्रथम पीढ़ी, जिसे F1 से प्रदर्शित किया जाता है, में केवल एक लक्षण दिखाई देता है, जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण और दिखाई न देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले, गुणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो उनकी प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन में केवल एक लक्षण दिखाई देता है, जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी डोमिनेंस लक्षण और दिखाई न देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के द्वारा इस नियम को कैसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे, जिसे T से प्रदर्शित किया गया है, शुद्ध बोनो पौधों के बीच संकरण क्रॉस कराया जाता है, और जब दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो सभी लंबे पौधे टी सभी, अब देखिए यहाँ एक लक्षण प्रभावी है, सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे, जिससे T और T से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ केवल एक गुण दिखाई दिया कि सभी पौधे जो हैं वो लंबे हैं, और जो बौने हैं वो नहीं दिखाई दिया प्रथम पीढ़ी में। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी F2 के पौधों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं।
जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन जिसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं के पौधों में स्व परागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी जो होती है सेकंड जनरेशन जो होती है के पौधों में विपरीत लक्षणों का जो विपरीत लक्षण होते हैं लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाता है पृथक्करण हो जाता अलग हो जाता है इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और चित्र के माध्यम से हम इस नियम को समझाने का प्रयास करते हैं। शुद्ध लंबे पौधे शुद्ध बौने पौधे क्रॉस कराया जाता है और प्रभाविता के नियम से प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जब इनमें स्व परागण कराया जाता है तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है पृथक्करण हो रहा है। यहाँ सभी लंबे पौधे हैं लेकिन द्वितीय पीढ़ी में क्या होगा द्वितीय पीढ़ी में सभी लंबे पौधे सभी बौने पौधे यानी सभी लंबे पौधे जिसमें टी स्मॉल टी ये मिला करके कुल 75% यानी जो लंबे पौधे होंगे वो 75% और जो बौने पौधे होंगे वो 25% यानी इन दोनों में यानी पृथक्करण के नियम से हम जान रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी में आते आते यदि स्व परागण कराया जाता है तो 3:1 के अनुपात में जो लक्षण होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। ये हुआ पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब चलते हैं अंतिम नियम पर तीसरा नियम। तो देखिए तीसरा नियम मेंडल के आनुवंशिकता का तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट कहते हैं। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले अब देखिए वहाँ एक जोड़ी था यहाँ क्या है दो जोड़ी जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। इन लक्षणों का जो पृथक्करण होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब यहाँ हम उदाहरण के द्वारा चित्र के द्वारा आपको स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर पीला गोल पौधे हैं दो जोड़ी हरा झुर्रीदार पौधे दो जोड़ी हैं इन्हें क्रॉस कराया जाता है प्रथम पीढ़ी में जो होता है पीला गोल प्राप्त होता है वो जो प्रभाविता के नियम से तो यहीं प्राप्त होगा प्रथम पीढ़ी F1 में। फिर जब स्व परागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 में आप देख सकते हैं कि पीला गोल पीला झुर्रीदार हरा गोल और हरा झुर्रीदार जो इनका अनुपात होता है द्वितीय पीढ़ी में गुणों का आनुवंशिक गुणों का वो 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है यानी प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी आते आते इनका संबंध जो होता गुणों का जो आनुवंशिक लक्षण होता जो प्राप्त होते हैं उनके मूल से वह 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। नमस्कार।